उपमंडल मुख्यालय पधन में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर प्रभात फेरी के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता SDM पधर संजीत सिंह ने की। प्रभात फेरी नेताजी सुभाष चंद्र स्मारक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पधर के मैदान से निकाली गई। पूरे पधर बाजार की परिक्रमा करते हुए प्रभात फेरी SDM कार्यालय के प्रांगण में संपन्न हुई। SDM पधर ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की उपमंडल वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष देश की तरक्की के लिए मील पत्थर साबित हुए हैं। दुनिया में आज देश की पहचान शक्तिशाली और संपन्न देशों में बन गई है। स्थानीय लोगों, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों सहित महिला समूहों, युवक मंडल के सदस्यों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि पत्थर के बाजार में महिला मंडल, सभी जो विभागों के कर्मचारी अधिकारी हों, महिला मंडल, युवक मंडल, आशा वर्कर, सब ने मिलके प्रभात फेरी और तिरंगा यात्रा में भाग लिया। देश की आन बान और शान और इस तिरंगे की शान को बनाए रखने के लिए आज आजादी 75वें आजादी के महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और ये निरंतर जारी रहेगा। पत्र क्षेत्र के लोगों ने, सभी महिला मंडल, युवक मंडल ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आशा है कि इसी तरह से जो आज़ादी 75वां आज़ादी का महोत्सव है उसको इसी हर्षोल्लास और इसी जोश के साथ समूचे भारत और पत्र क्षेत्र में मनाया जाएगा। आपका फैसला के लिए पधर से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।